इसमें थोड़ा पानी है, भूनते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन अचार गोश्त। तो चलें फिर शुरू करते हैं अपनी तैयारी। सबसे पहले जो है हम अपनी पतीली गरम कर लेंगे। और इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे। तो इतना काफी है? नहीं, और थोड़ा सा डालना चाहिए। इसे हम अच्छे से गर्म कर देते हैं। तेल को साफ करके रख देंगे। तो जब तक हमारा तेल जो है वो गर्म होता है, फ्लेम को तेज कर देंगे ताकि जल्दी हो जाए। तो परसों का ब्लॉग आपको कैसा लगा था आपने बताया नहीं मुझे कमेंट्स करके। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अच्छा लगता है कि हमारे लिए भी कोई है जो हमारे को देखता है, हमें सुनता है और हमें प्यार करता है। तो तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें और ब्लॉग को पूरा वॉच किया करें और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स फैमिली के अंदर जो है शेयर भी किया करें। तो जी तेल हो गया है हमारा गरम, माशाल्लाह से तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया। फ्लेम को हम करेंगे थोड़ा सा कम और डालेंगे इसके अंदर अपनी चिकन। तो ये मैं हाथ से डालूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा पानी है। और गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो चलें जब तक ये फ्राई होता है जब तक हम थोड़े हम मसाले निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंग इसके अंदर शामिल करेंगे, दो तीन, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि पैकेट के मसाले में भी होती है। और साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक मैंने अभी कम डाला है, मैं आगे जरूरत होगी तो हम और डाल देंगे। तो देखें माशाल्लाह से चिकन हमारी जो है वो फ्राई हो रही है। तो ये इसको 2 मिनट लगेंगे, जब तक हम 5 मिनट तक इसको भूनते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चिकन हमारी हो गई है, तो अब इसके अंदर हम जो है ये टमाटर शामिल कर देंगे। साथ साथ इसे भूनते रहेंगे। और अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा मसाला है जो मैं मिर्चों के लिए निकाल लूंगी और बाकी का मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह, सारा मसाला इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लूंगी। साथ ही मैं इसमें कुछ घर के मसाले डालूंगी। तो
चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। टेबलस्पून इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। और ये इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच कुटी लाल मिर्च के डालूंगी। अदरक लहसुन डालेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। एक बड़ा चम्मच इसे हम भूनेंगे। ये अच्छे से भून जाएगा तो हम ढक के पकाएंगे। ये देखिए गोश्त हमारा जो है फ्राई पे आ गया है। ये देखिए सालन हमारा भुन गया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे। बस इतना काफ़ी है कि मुर्गी हमारी जल जाएंगी क्योंकि इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट भून लिया है। तो अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे चूल्हे के ऊपर। और जब तक अपनी मसाले वाली मिर्चें भर लेंगे हम। तो अब हम सारी अपनी मिर्चें जो हैं वो भर लेंगे। इनको पहले कट लगाते हैं। आप चाहें तो इन मिर्चों को आप दही के साथ भी करके डाल सकती हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो खैर दही नहीं डाल रही हूँ, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वैसे आप दही में, सिरके में और इमली के पल्प में। तो ये हमने सारी मिर्चें जो है यहाँ पर कट कर ली हैं। तो अब हम मसाला बना लेते हैं इसका। तो 2 टेबलस्पून जो है हम इसमें धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें कुटी मिर्च डालेंगे। तो ये हमारा मसाला जो है वो हो गया तैयार। तो इसे हम सिरके के साथ जो है वो मिक्स करेंगे, थोड़ी सी नमक शामिल करके वैसे शामिल कर लेंगे। इसको बंद करके रखते हैं। और अब तो सिरके के साथ जो है शामिल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसे गाढ़ा गाढ़ा बना के पेस्ट को। बस बहुत है ये। तो अब हम ये मिर्चे लेंगे और इसके अंदर इसको भरना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये सारी मिर्चें भर जाएंगे फिर हम अपनी रोटी बनाएंगे। और फिर लास्ट में जब हमारा गोश्त फ्राई हो जाएगा तो फिर हम ये मिर्ची उस पर डाल देंगे।
तो जब आप भी पकाएं तो मोटी वाली मिर्ची लीजिएगा, क्योंकि बारीक वाली मिर्चों के अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। माशाल्लाह आटा देखें हमारा कितना सॉफ्ट हो रहा है, इसको हमने घी लगा के रखा था तो अभी तक नरम हो रहा है और पपड़ी भी नहीं जमी इसके ऊपर, और बिना फ्रिज के रखा बताइए। घी डाल लेते हैं, जब तक सालन हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी हम खीरे की सलाद बना लेंगे। देखें कितना नरम हो रहा है माशाल्लाह से, अभी तक वैसे ही रोटियां बन रही हैं जैसे फ्रेश आटा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी लंबी हो गई मेरी। चलो सही हो गई। शबाना बंदाबाजी बाजी अपने काम में लगी हुई है, मेरी हिम्मत नहीं है, बुखार और गले की तकलीफ ने मुझे मारा हुआ है, तो मैं सिर्फ रोटी हांडी कर रही हूँ, तो बाकी का काम जो है वो शबाना ही कर रही है। हसनैन तो इतना मुर्दार है कि उससे कोई काम होता ही नहीं है, इसलिए बेचारी शबाना को बुलाना पड़ा। देखिए रोटी हमारी जा रही है। देखें कम हो गई है, तेज आ रही थी, इतना ऊंचा चूल्हा जलता है हमारा, देखें जरा कितना कम चल रहा है, लेकिन हम गुजारा कर रहे हैं इसी गैस में। ये वाली रोटी तो मैं हसनैन को देने वाली हूँ। तो सालन को अपने चेक कर लेते हैं एक नज़र। माशाल्लाह तो सालन हमारा जो है वो तो रेडी होने वाला है, क्योंकि टमाटर जो है इसमें मेन चीज़ होती है गलना, वो गल गए हैं। आज हमारा चूल्हा जो है वो ज़रा रोटी ख़राब कर रहा है हमारी, लगता है इसको भी गुस्सा उस्सा आ रहा है।
तो बस रोटियां हमारी माशाल्लाह से बन गई हैं, बस ये आखिरी रोटी है। हाँ गले की तकलीफ की वजह से सांस में भी नाली में प्रॉब्लम हो रही है मेरी, खाया पिया कुछ नहीं जा रहा है, दलिया और ये वगैरह चीज़ें हैं, लेकिन अभी क्या हमने बनाया नहीं है दलिया, दाल पड़ी हुई थी उससे मैंने भिगो के रोटी खाई है, अम्मी की जो पड़ी थी, और वो भी आधी रोटी से ज़्यादा नहीं खाया जा रहा है। तो रोटियाँ हमारी माशाल्लाह बन गई हैं, ये देखें तवा हम अपना उतार देते हैं और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा कम कर देंगे और साथ ही अपना अचार गोश्त हम शिफ्ट कर देंगे इसके ऊपर और दिखाते हैं इसको आपको कैसा पक रहा है ये माशाल्लाह। तो इसे हम साइड पे रखते हैं। तो चलें जब तक हम जो है वो थोड़ा सा अपना प्याज और खीरे को कतर लेते हैं। क्योंकि इसके साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका सलाद बन जाएगा। बारिशें हुई हैं कल परसों तो जिसकी वजह से रोशनी भी सही नहीं हो रही है। कभी बारिश का सर्दी वाला मौसम आ जाता है तो कभी गर्मी वाला आ जाता है। एक ही पल में कम्बल ओढ़ो, एक ही पल के अंदर पंखे चला लो। बिजली तो छोड़ें, गैस का बिल इतना ज्यादा आया है हमारा, तो मैं तो किस्ते करवा कर लाई हूँ। बहुत परेशानी के आलम के अंदर क्या करें, मजबूरी है। अभी तो इस महीने तो पैसे ही नहीं थे मेरे पास भरने के। घर का चलाएं, क्या क्या करें, दवा इलाज लें। अम्मी की भी तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है, और शबाना आई तो शबाना को भी नज़ला खांसी हो गया। तो ये हमने थोड़ा सा खीरा काट लिया, इसके साथ एक रखा हुआ था। हसनैन के उस्ताद के घर में खीरे का दरख्त है तो वो वहां से ले आता है कभी कभी, छोटा बटा एक खीरा या दो, तो वो मैं रख लेती हूँ सलाद के लिए ना। उनके घर में तो बड़े दरख्त हैं, टमाटर का भी है, वहीं से मैं मंगवा लेती हूँ कभी जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो। सालन का चूल्हा हम कर देते हैं तेज ताकि हमारा सालन जो है अच्छे तरीके से पक्के हो जाए तैयार, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलें जैसे ही हमारा सालन तैयार हो जाता है आपको माशाल्लाह दिखाते हैं। अचार गोश्त जो है वो हमारा भुन चुका है, तो अब इसके अंदर हम अपनी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करते हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सरसरा हो जाए। ऐसे खुशक खुशक जो हम खाएंगे तो काफी है। तो अब इसमें हम अपनी मिर्चें छोड़ देंगे। तो इसको ढक के पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं।
तो चलें जैसे ही तैयार होता है फिर आपको देख लेते हैं दिखाते अपना। माशाल्लाह से देखें, हमने जो फ्लेम बंद कर दिया है, सालन हमारा बन के हो गया है तैयार, तो खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो चलें निकाल लेते हैं अपना सालन और हसनैन को ट्राई करवाते हैं कि हसनैन करके बताएंगे कैसा बना हुआ है। आइए हसनैन खाना खा के बताएं जरा कैसा बनाए। मुंह से बताएं बेटा, बहुत धन्यवाद। हसनैन को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया खाना। तो आप लोगों को भी अचार गोश्त खाना है तो ज़रूर मेरे साथ आएँ, मेरे घर आएँ, इंशाल्लाह आपको भी बना के खिलाएंगे। तो इसी के साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।